हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग मेहंदी खोलने वाले हैं। और मेहंदी जब आप खोलते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें अगर आप डालते हैं ये, तो आपके बाल सॉफ्ट, सिल्की एंड शाइनी हो जाएंगे। आपके हेयर फॉल भी रुकना कम हो जाएगा और धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो ये जो मेहंदी है, इसको बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। मैंने यहाँ पर करी लीव्स लिए हैं और इनको मैंने एक पानी में डुबो कर रख दिया है। और इनको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए मतलब पानी में भिगो के रख दिया था। और पानी भी आप देख सकते हैं, पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो करी लिप्स जो होते हैं बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बालों को हेल्दी रखते हैं और बालों की शाइनिंग बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो मैंने इनको काफ़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था। और भी हम इसमें जो चीज़ें डालेंगे वो ईज़िली आपके घर में अवेलेबल होंगी, जिनको यूज़ करके आप अपने बालों की हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। तो इनको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपको आगे क्या करना है। तो गाइस, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हमने करी लिप्स की 2 से 3 टहनियाँ ली हैं और हमने इनको भिगो के रख दिया था। उसके बाद हम एक पैन लेंगे और उसमें हमने लिया है ये रीठा, आंवला और शिकाकाई। इनको मैंने बॉईल कर लिया था क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं और ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करी लिप्स से भी काम चल जाएगा। तो हमने थोड़े से करी लिप्स और डाल दिए हैं इसमें और इनको भिगो के आपको रख देना है थोड़ी देर के लिए। तो हमने इसके बाद इसमें डाला है मेथी दाना। मेथी दाने को भी मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आप ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं, ये भी बालों की शाइनिंग के लिए बहुत बढ़िया रहता है, आपके बालों में एक नेचुरली ग्रोथ देगा। उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच दही डाला है और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद हम लेंगे एक सिलबट्टा और मैंने सिलबट्टे को पीछे की तरफ से रखा है और इनको हल्का सा क्रश कर लेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारी मेहंदी है उसमें बहुत अच्छा इसका गुण आ जाए। तो मैंने देखिए इसको इस तरीके से बहुत अच्छा पानी डाल के पीस लिया। आप चाहें तो मिक्सी जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो बस आपका जो ये एक पेस्ट है बिल्कुल बनकर रेडी है। अब आपको इसको अपनी मेहंदी में डाल लेना है। आपकी जो मेहंदी है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। और मेहंदी को हो सके तो लोहे की कढ़ाई में ही भिगोना है। तो मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है और उसमें मैंने थोड़ी सी दही और ऐड कर दी है 2 चम्मच। तो ये जो पेस्ट था हम इसमें डाल देंगे और इस मेहंदी को घोल देंगे और आपकी जो मेहंदी है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। इसको अपने बालों में लगाएंगे तो एक गजब का लुक आएगा और आपके बाल बहुत अच्छे से शाइनिंग करेंगे। तो मैंने और भी अपने चैनल पर रेमेडीज शेयर की हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।